सभी साथियों को नमस्कार। बड़ी दर्दनाक ताज़ा खबर सामने आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोहरा मचा हुआ है। ये बड़ा भयानक हादसा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भावुक हुए हैं। उन्होंने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है। साथ में अपने मंत्रियों को भी घटना स्थल पर पहुँचा है। प्रारंभ में इस बड़ी दुर्घटना में 15 लोगों की जान जाने की खबर सामने रही थी। इनका मौत का आंकड़ा बढ़कर 20 हो गया, लेकिन अब ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद पता चला है कि इस बड़ी दुर्घटना में अब तक करीब 24 लोगों की जान जा चुकी है। चलिए क्या है पूरा मामला, देंगे इस खबर के बारे में आपको विस्तार से जानकारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हर ताजा खबर आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आवश्यकता पड़ने पर शेयर जरूर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी जगह ताकि हर सभी तक ये खबर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक एटा के जैथरा गांव के रहने वाले सभी लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर माघ पूर्णिमा पर कासगंज स्थित कादरगंज घाट पर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारियों में अधिकतर बच्चे और महिला ही सम्मिलित थे। तभी रियाबगंज पटियाली मार्ग पर गढ़ई गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली हाई स्पीड से चलती हुई बेकाबू हो जाती है और सीधी गढ़ई गांव के पास मौजूद तालाब में जाकर पलट जाती है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने जो जानकारी दी है उसके हिसाब से हम आपको आगे और जानकारी देना चाहेंगे। गढ़ई गांव के ग्रामीणों ने बताया कि तालाब के पास वो खड़े थे, तभी अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली तेज स्पीड से आते हुए दिखाई दी। ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होते हुए तालाब के अंदर चली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के किनारे पर खड़े लोग छिटकर पानी में जा गिरे, लेकिन जो ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे थे वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ करीब इस गहरी तालाब के अंदर चले गए। कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गए। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वो लोग दौड़े और दूसरे ग्रामीणों को मौके पर बुलाकर ले गए और उन्होंने ही जितना संभव हो सका रेस्क्यू कर महिलाओं बच्चों को निकाल कर बचाया है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है। उन्होंने पुलिस को बताया कि अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है, तो पुलिस भी हड़बड़ाकर तुरंत मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के साथ और साथ में बुलडोजर, जिससे पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। बुलडोजर की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया। वहीं पंपिंग सिस्टम लगाकर पूरे तालाब का पानी बाहर निकाला गया है। हालांकि अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह सफल हो गया है, लेकिन मौत का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है। पुलिस के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 54 लोग सवार थे, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे ही सम्मिलित हैं। 54 लोगों में से 20 लोगों के इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 20 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं, लेकिन इन 34 लोगों पर बड़ी आपदा आ पड़ी। दोस्तों, अब तक करीब बताया जा रहा है इन 34 लोगों में से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रारंभ में आंकड़ा 15 था, बढ़कर 20 हुआ, फिर ये बढ़कर अब 24 हो गया है, लेकिन अभी भी 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में कोहरा मचा हुआ है। बात करते हैं उस गांव की, जिस गांव से ये सभी लोग आए वहां तो कोहरा मचा हुआ है। उस गांव में चारों ओर चीख पुकार ही सुनाई दे रही हैं। जैसे ही घटना की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गहरा शोक व्यक्त करते हैं। परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान भी करते हैं। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि को तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर पूरी घटना का जायजा लेने के लिए भी कहते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, यहां पर गांव वालों ने सभी मृतकों के पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। इस कारण पुलिस ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर सभी मृतक लोगों को अस्पताल से सीधे गांव पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाया है। उनके शवों को पूरी तरह सुरक्षित उनके गांव पहुंचा दिया गया है। दोस्तों, आपसे भी निवेदन करते हैं मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम जरूर लिखें। देते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।